शेजवान प्रॉन्स के लिए हमने प्रॉन्स लिए हैं आधा किलो साफ, एक किलो लिए थे तो आधा किलो निकले। ड्राइड कॉर्नफ्लावर मैंने लिया था 4 टेबलस्पून और उसमें प्रॉन्स को रोल किया है और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ ड्राइड कॉर्नफ्लावर है, कोई नमक कोई मिर्चा कुछ भी नहीं है। और प्लीज़ फौरन करिएगा उसको, मैंने अब जैसा छोड़ दिया ना, छोड़ना नहीं चाहिए। फौरन लगाएं ड्राई कॉर्नफ्लावर में और फौरन से फ्राई करें, वरना वो फिर उसका पानी उसको क्रिस्पी नहीं रहने देगा। तो क्यों ओके ओके थोड़े से अच्छे से गोल्डन कर लीजिए। अच्छा, इसमें आपको दो किस्म के तेल डालने, एक डालना है आपको नॉर्मल ऑयल और एक डालना है आपको चिली ऑयल। दो टेबलस्पून ऑयल, दो टेबलस्पून चिली ऑयल, ठीक है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून भर के, उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 10 बटन रेड चिलीज फ्राई की, ये रखी हुई मैं घर से फ्राई करके लाई। फिर हम इसमें डालेंगे केचप 1/2 कप और बाकी की चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून। देखें शुगर जा रही है इसमें, 1 टेबलस्पून केचप 1/2 कप, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून। रिकैप से आने के बाद मैं आपको एक और दफ़ा इसका रिकैप दूंगी, परेशान ना हो। शेजवान सॉस 1 टेबलस्पून और 1/2 कप पानी, पानी ना भी डालें तो इट्स ओके, मैं नहीं डाल रही हूँ। तेल गरम किया, चिली ऑयल गरम किया, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून डाला, उसके बाद फ्राइड रेड चिली डाल दें 10-12, केचप 1/2 कप, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, शेजवान सॉस 1 टेबलस्पून, शुगर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सेक्का SEC का चिकन पाउडर 1 टीस्पून।